नमस्कार मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्याकुल पर स्वागत करता हूं बच्चों जुड़ जाइए जल्दी जल्दी आज आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर काल है प्रश्नोत्तर का आपको कराया जाएगा जैव प्रक्रम से संबंधित और देखते हैं कितने विद्यार्थी अच्छे से अच्छे प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं और अगर विद्यार्थियों ने उत्तर भेजा और उत्तर दिया तो एक पुरस्कार मिलेगा उनको उन्हें युगांडा भेजा जाएगा तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे विद्यार्थी अगर उत्तर देते हैं तो मैं उनको युगांडा भेजूंगा नाइजीरिया और कांगो भेजूंगा इसीलिए आप लोग तुरंत उत्तर दीजिए प्रथम स्थान वाले को युगांडा भेजा जाएगा और द्वितीय को नाइजीरिया और तृतीय स्थान वाले को कांगो भेजा जाएगा तो आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए चलिए बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ एकदम बड़ी तेजी से और गुरु दक्षिणा के रूप में तत्काल तो प्रभाव से लाइक का बटन दबाइए और जल्दी से जल्दी लाइक ठोकिए फिर उसके बाद हम और आप आगे बढ़ जाते हैं तो बच्चों चलिए तो कौन कौन ऐसा वॉइस क्लियर नहीं है क्या बात कर रहे हो यार कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो युगांडा जाना चाहता है चलो आ जाओ युगांडा वाले बच्चों फर्स्ट स्थान पाने वाले को युगांडा भेजा जाएगा अभी तो ये चल ही रहा है चलो बच्चों देखो बताओ सब कुछ सही है बोलिए आवाज अभी क्लियर है, तो है, तो है। जुड़ जाइए मस्त रहिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए बच्चों अभी सब सही हो तो अब हम पहला प्रश्न आपके सामने ये आ रहा है और कंप्यूटर महोदय आपके सामने पहला प्रश्न लाने के लिए बेचैन है तो देखते हैं कंप्यूटर महोदय पहला प्रश्न आना चाहिए ये देखिए पहला प्रश्न पौधों में वास्पोसर्जन किस भाग में होता है जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिएगा बताइए पौधों में वास्पोसर्जन की क्रिया किस भाग में होती है धड़ाधड़ उत्तर आना चाहिए तड़ातड़ उत्तर आना चाहिए बेटा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो छोड़ दीजिए बेटा अगला क्वेश्चन तभी आएगा जब यहां पर आपका आंसर आ जाएगा और कम से कम जितने बच्चे देख रहे हैं उतने बच्चे लाइक का बटन दबा देंगे तो जल्दी 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 आंसर करिए बेटा बताइएगा क्या आंसर होगा जल्दी 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 आंसर लाइक का बटन गुरु दक्षिण अरे गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं यार कम से कम दे दो चलो बेटा जल्दी जल्दी आंसर करते हैं वास्पोत्सर्जन की क्रिया आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए अगर ये पत्ती है मान लीजिए तो पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों तो हम इसे कहते हैं रंध्र और बच्चों याद रखना जब तापमान बढ़ जाता है जब तापमान बढ़ जाता है तो जल की बूंदे इससे क्या हो जाती हैं वाष्पीकृत हो जाती हैं तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ सी यानी पत्ता या पत्ती या लीफ ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है बताइए मनुष्य में अगर कितनी मात्रा यूरिया की बने तो ठीक है उससे ज्यादा या कम होगी तो दिक्कत हो जाएगी तो चलिए बच्चों जल्दी 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 आंसर करिएगा क्या होगा बेटा युगांडा क्या है युगांडा एक देश का नाम है जहां आपको भेजा जाएगा बालक जल्दी जल्दी उत्तर करिए खटाखट उत्तर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा अगला क्वेश्चन तभी आएगा जब आप पचास लाइक कम से कम कर देंगे तब हम्म सभी विद्यार्थी गलत उत्तर बता रहे हैं इसका उत्तर होगा क्या बीस एम मिलीग्राम तो बेटा याद रखना क्या होगा बीस एम या मिलीग्राम अगला क्वेश्चन मनुष्य में वृक्ष एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है बताइएगा बच्चों बताइएगा किडनी किस से रिलेटेड होती है यानी मनुष्य में वृक्ष किसका भाग होता है धड़ाधड़ धर उत्तर आना चाहिए जल्दी जल्दी उत्तर आना चाहिए हाँ जी मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है तो बच्चों याद रखना आपका उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन यानी उत्सर्जन का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं क्या एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन तो बच्चों यूरिया का निर्माण ही इसी प्रक्रिया से होता है ध्यान रखिएगा आंसर होगा सी देख लेते हैं कौन प्रियाल है दिव्यांशु संजय दिव्यांशु संजय अमित आयुषी सभी बच्चे उत्तर दे रहे हैं प्रदीप सुनील जेनियस जीनियस टैलेंट भी यह उत्तर दे रहे हैं जल्दी 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 सबका उत्तर आ रहा है धड़ाधड़ उत्तर आ रहा है अगला प्रश्न तभी आएगा जब साठ लाइक हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिए यार जरा सा बच्चों आप लोग देखिए आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं हम यहाँ पर अगला प्रश्न तभी आएगा जब यहां पर लाइक का ग्राफ बढ़ जाएगा चलिए देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस कराएंगे तो चलो बच्चों जुड़ जाओ जल्दी जल्दी और आप अपनी हाँ जल्दी जल्दी लाइक करिए आप लोग अगला क्वेश्चन आ गया बेटा पौधों के भागों से जल के निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है लीजिए पहले प्रश्न का थोड़ा घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है आंसर करिए जल्दी जल्दी आप लोग दो बचे लाइक दो करो जल्दी साठ करो तभी अगला प्रश्न आएगा वरना नहीं आएगा बच्चों जल्दी जल्दी कर दो चलिए जल्दी जल्दी करिएगा हाँ देखो सी आंसर सब गलत हैं। बच्चों याद रखना ये भागों से तो आपका आंसर क्या हो जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा वाष्पोसर्जन अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है उसके बाद भी आप आंसर नहीं बता रहे हैं देखते हैं कौन कौन उत्तर दे रहा है अमित है गौरी शंकर कुमावत आ गए हैं सुमित है आजाद नाम का बालक है आदित्य सुमित सभी लोग आंसर कर रहे हैं धड़ाधड़ आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया आंसर वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है देखो ये सरल प्रश्न है यह आपका गलत नहीं होना चाहिए मैंने क्लास में कई बार आपको समझाने और पढ़ाने का प्रयास किया है इसीलिए यहां पर आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए बच्चों चलिए जल्दी जल्दी जितने भी बच्चे हैं यहां पर तुरंत लाइक का बटन दबाइए वरना यहां से हट जाइए जल्दी जल्दी हटाइए जल्दी 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 लाइक करिए सड़ जल्दी आप चलिए जल्दी वह बिल उत्तेजनशीलता आंसर कर रहा है अरे कैसा स्टूडेंट है, है तुम लोग यानी उत्तेजनशीलता में या तुमको ऊर्जा उत्पन्न होती है कि यार ऊर्जा नष्ट होती है क्या क्वेश्चन है देखो जरा दे तो आंसर उत्तेजनशीलता हो ही नहीं सकता क्या बात कर रहे हो आप लोग आप लोग गलत आंसर कर रहे हो बेटा ओके बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का सारे आंसर गलत आ रहे हैं ना 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 जिससे आपको जिस क्रिया के द्वारा आपको ऊर्जा प्राप्त होती है वह क्रिया कौन सी है बेटा श्वसन क्रिया है और हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में बनती है एटीपी के रूप में होती है कहा बनती है माइथो में बनती है कहा बनती है माइथोखंड्रिया में बनती है किस प्रक्रिया के थ्रू बनती है तो वह श्वसन प्रक्रिया के थ्रू बनती है बच्चों याद रखना कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है बताइएगा कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यह क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आप निम्न कोटि के विद्यार्थी हैं अगर यह क्वेश्चन आपका सही हुआ तो आप उच्च कोटि के विद्यार्थी हैं चलिए धड़ा, धड़ा उत्तर आना चाहिए तुरंत तुरंत तुरं उत्तर आना चाहिए और बेटा आप जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक का बटन दबाते जाइए आनंद के साथ खुश होते जाइए जल्दी बताइएगा कौन सी क्रिया लगभग लगभग सभी विद्यार्थी सभी सभी जीवों में अनिवार्य है जल्दी बताइएगा बच्चों तो याद रखिएगा कौन सी प्रक्रिया है श्वसन क्रिया है श्वसन क्रिया सबके लिए जरूरी है पौधे हो हम हो गाय हो कुत्ता हो बिल्ली हो कुछ भी हो सबके लिए क्या जरूरी है तो सबके लिए जरूरी है श्वसन क्रिया याद रखिएगा बच्चों ठीक है और जल्दी से जल्दी शेयर करिए लाइक करिए और वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वो लाल वाली घंटी बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए बच्चों लाइक जरूर कर दीजिएगा बताइए बेटा मैग्नीशियम कहां पाया जाता है मैग्नीशियम किस स्थान पर पाया जाता है जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए आप लोगों का अरे बेटा चौहत्तर पचहत्तर बालक देख रहे हो कम से कम इतना तो लाइक पहुंचा दो यार अगला क्वेश्चन तभी आएगा लो मैंने पेन रख दिया अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा इतना तो आपको बनता है कि जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक तो होने ही चाहिए चलिए आंसर करिए जल्दी जल्दी चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए अगला क्वेश्चन नहीं देखो यहां पर जितने भी विद्यार्थियों ने आंसर दिया है वो आंसर होगा क्लोरोफिल बेटा याद रखना जो पत्ती होती है उस पत्ती में आप सभी लोगों को मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम किस चीज में मदद करता है मैग्नीशियम सदैव प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है किसमें मदद करता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है चलिए बच्चों जल्दी जल्दी लाइक करिए जितने बच्चे देख रहे हैं उतने तो कम से कम आपको लाइक करना ही चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है बहुत है तो बताइए आप लोगों से एक प्रश्न है आप लोगों से बताइएगा बच्चों क्या आप और भी क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं क्या आप लोगों के लिए मैं प्रश्नोत्तर सेशन लेकर के आऊं जल्दी जल्दी बताओ क्या मैं प्रश्नोत्तर सेशन लेकर के आऊं आपके लिए क्योंकि बेटा याद रखिएगा सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया है और याद रखिएगा आपकी परीक्षा यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो सभी लगभग सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज बढ़ेगा गारंटीड बढ़ेगा बेटा याद रखिएगा बिल्कुल हाँ आदित्य ने बिल्कुल सही कहा है आज अगला क्वेश्चन तभी आएगा जब 80 लाइक हो जाएगा तो चलो बेटा जल्दी जल्दी लाइक करो तभी आपके लिए अगला क्वेश्चन आएगा और वो भी धुआं धुआं कर देंगे हम लोग उड़ा देंगे क्वेश्चन को क्योंकि यहाँ पर जितने बच्चे हैं वह लगभग लगभग सभी बच्चे मेधावी छात्रों में से एक हैं तो चलिए जल्दी से लाइक करिए आप लोग ये लीजिए मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने कोष्ट बेटा देखो वेशम समझ आए ना तो याद रखना वेशम का मतलब होता है क्या शैंबर तो बताइएगा मानव हृदय में कितने शैंबर पाए जाते हैं लाइक का बटन दबाइए धड़ाधड़ आंसर आना चाहिए बेटा आप लोगों का पीयूष वर्मा करे ठोको लाइक बिल्कुल ठोको बेटा हाँ बिल्कुल हंड्रेड प्लस करो हंड्रेड प्लस करो सभी लोग जितने भी हैं लगा दो बिल्कुल अपना जोर जितना हो सकता है आपके अंदर जितनी ताकत है लगा दीजिए जोर <laughs> चलिए बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है हम मानो के हृदय में कितने चैंबर होते हैं तो मानव के हृदय में चार चैंबर होते हैं बेटा याद रखिएगा कितने चैंबर तो चार चैंबर होते हैं अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें किस चीज की प्राप्ति होती है जरूर बताइएगा मैं इक्वेशन लिख देता हूं सिक्स सीओ टू प्लस ट्वेल्व एस टू ओ तो बताओ बच्चों क्या बन जाएगा बोलिए क्या बन जाएगा आपके सामने जल्दी जल्दी आंसर आइए करिए जल्दी से चलिए धड़ाधड़ आंसर करिए आप लोग यस यस राइट आंसर राइट 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 आंसर सभी बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है हंड्रेड परसेंट सही आ रहा है देखते हैं क्या आप में ताकत है इसको लाइक सौ पहुंचाने की देखते हैं आपके अंदर कितनी ताकत है क्या अगर आपका टीचर आपके अध्यापक इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए गला फाड़ रहे हैं चिल्ला रहे हैं तो क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप इसको लाइक कर ले आए और जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में अपने मित्रों के बीच में अपने बुआ फूफा के यहां इसको जरूर से जरूर पहुंचाइए चारों तरफ वीडियो फैला दीजिए अब सर आ गए हैं अब हम एग्जाम फोड़ देंगे अब हम एग्जाम क्रैक कर देंगे एग्जाम में अब 90 परसेंट से ज्यादा नंबर आ जाएगा हम जोश के साथ पढ़ा रहे हैं आप भी जोश में आइए और आप भी अपने एग्जाम को क्रैक करने का काम करिए लगा दीजिए अपना सारा जोर हाँ, और आज जितने लाइक होंगे उतने परसेंटेज आज सभी विद्यार्थियों के आएंगे परीक्षा में मैं कह रहा हूं यह आशीर्वाद होगा मेरा बेटा याद रखना ठीक है जितने लाइक उतने परसेंटेज आज आना है सौ के ऊपर पहुंचा तो समझ जाइएगा आपका काम हो गया और आपको भरपूर आशीर्वाद मिल गया तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है ग्लूकोज बनता है सी सिक्स ट्वेल्व सिक्स और अगर ना दिया होता तो क्या लगा देते ऑक्सीजन लगा देते बच्चों <coughs> याद रखिएगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा पाकिस्तान में भेज दिया क्या चलो कोई बात नहीं मैं तुमको युगांडा भेज दूंगा बालक घबराओ नहीं आप हम्म अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कोशिका तो झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है कोशिका तो झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है बोलिए बेटा। परमेबल मेम्ब्रेन यह अर्धपारगमेबल में इन परमेबल मेम्ब्रेन है या इनमें से कोई नहीं बताइए जल्दी जल्दी केवल नवासी परसेंट आएगा तुम लोगों का नवासी लाइक है नवासी परसेंट में खुश हो गए इतना जल्दी खुश हो गए 89 परसेंट में ही अरे कम से कम 98 तो ले आओ 98 परसेंट तो आना चाहिए बच्चों याद रखिएगा चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है तो कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम में झिल्ली बेटा याद रखिएगा ये होती है परमेबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन याद रखिएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है आर्ध में झिल्ली के नाम से जानते हैं याद रखिएगा ठीक है चलो बेटा केवल नवासी परसेंट नंबर आएगा केवल नवासी लाइक नहीं। नहीं। बहुत कम है बेटा बहुत कम है नब्बे बस नब्बे हो गया और क्या अगला क्वेश्चन दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है अब घटन प्रकाश संश्लेषण किडवन या उत्सर्जन जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग नुतारा खान थैंक यू सो मच खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका चलिए जुड़िए जल्दी जल्दी और वीडियो को लाइक जरूर करिए जितने लाइक उतने परसेंटेज आप लोगों के एग्जाम में आएंगे टेंथ में उतने परसेंटेज आएंगे जितने लाइक उतने परसेंटेज आपके आएंगे याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब आंसर होगा किडवन और हम इसको कहते हैं क्या फर्मेंटेशन क्या नाम है बेटा फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है किडवन दूध से दही बदलता है लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया के कारण किसके कारण होता है बच्चों लैक्टोबैसिलस किसके कारण लैक्टोबैसिलस के कारण होता है और उस प्रोसेस को कहते हैं किडवन या आप जान केवल 91 परसेंट चाहिए और ज्यादा नंबर नहीं चाहिए आप लोगों को बोलिए अगला क्वेश्चन जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज की आवश्यकता होती है बताइए उपापचयी क्रियाओं की यानी आपके शरीर में जो भी हो रहा है खाना खाना पचाना ऊर्जा लेना एवरीथिंग सब के सब उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत ही आते हैं केवल सुमित कुमार 92 परसेंट चाहिए केवल 92 परसेंट नंबर चाहिए बस हो गया लो इधर हमने भी एक लाइक कर दिया तुम लोगों का नंबर हमें बढ़ाना पड़ रहा है ये लो हो गया एक 92। एक हमने भी अपने लैपटॉप से कर दिया आपका लाइक अब देखो हमको चिंता है तुम्हारी तुमको हमारी चिंता ही नहीं यार सत्यम प्रकाश पांडे लग गए हैं सभी बालक याद रखना बेटा निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होगी निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होगी ध्यान रखिएगा इस चीज को चलिए अगला क्वेश्चन मानव में डायलिसिस थैली कहा होती है आंसर करिए मानव में डायलिसिस थैली कहां होती है जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए धड़ धाड़ आंसर आना चाहिए धुआं धुआं कर देना है यार अरे वाह 95 परसेंट आएगा आपका नंबर अब खुशियां बढ़ रही हैं, लड्डू खाने का मन हो रहा है तो बच्चों जल्दी 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 आंसर दीजिए आप लोग बताइए बेटा क्या होगा मानो में डायलिसिस की थैली कहां होती है जल्दी जल्दी आंसर करिएगा आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी तो बच्चों मानव में डायलिसिस की थैली में होती है और बच्चों की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है आप लोगों ने देखा होगा तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस प्रकार की जो संरचना होती है इस संरचना को नेफ्रॉन कहते हैं और यहीं पर जो आपका संरचना स्ट्रक्चर होता है और इसी को कहा जाता है क्या ग्लोमे ग्लोमेरुलस और इसको हिंदी में कहते हैं गुच्छ और बच्चों इसी से आपकी डायलिसिस होती है डायलिसिस का मतलब होता है कि छनने की प्रक्रिया या छानने की प्रक्रिया यस नब्बे लाइक हो गए सौ करोड़ सब बिल्कुल फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस चलिए अब एक बार जोर लगाते हैं हंड्रेड लाइक्स बिल्कुल हंड्रेड लाइक्स यस टन करिए जल्दी से जल्दी बेटा जल्दी जल्दी डन करिए बाद आगे बढ़ते हैं आप लोगों को देखिए इधर ये देखिए मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है यानी जो मछली सांस लेती है वह किस चीज से सांस लेती है याद रखिए और बताइए आंसर जल्दी जल्दी आप लोग आवाज कम आ रही है अब बेटा हम क्या करें यार आवाज तो पक्का ज्यादा आ रही होगी <laughs> सारा आंसर होगा बेटा गिल्स के द्वारा याद रखिएगा मछली के मछली के शरीर में दो चैंबर होते हैं हार्ट में गिल्स के थ्रू जाता है और फिर उसके बाद वापस चला आता है जानते होंगे जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का सेवन करते हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन का सेवन करते हैं याद रखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है आसान सा क्वेश्चन है बताइएगा ये है क्या ऑस्मोसिस ये क्या है डिफ्यूजन प्रोसेस ये क्या है ट्रांसपिरेशन और ये क्या है ट्रांसपोर्टेशन बोलिए बेटा क्या होगा आंसर जल्दी जल्दी आंसर करिएगा आप लोग जी जल्दी जल्दी तो बच्चों याद रखना ये प्रक्रिया क्या होने जा रही है विसरण विधि द्वारा होता है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन कोलोरो वर्णक का रंग क्या होता है ये तो आप लोगों बता ही लोगे चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर करो 98 एट परसेंट वाओ चलिए तो बच्चों याद रखना नाम है इसका हरा हरे क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा 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 ग्रीन होता है याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा वो कवक में पोषण कौन सी विधि से होता है बताइएगा बेटा स्वपोषी मृतोपजीवी या संभोजी जल्दी बताओ केवल दो लाइक बचे हैं सौ में पढ़ाते पढ़ाते कर डालो सौ लाइक जल्दी से जल्दी चलो चलिए सौ लाइक ठोकी जल्दी से अरे नाइनटी सेवन कर दिया <laughs> गुस्सा आ गया होगा स्टूडेंट दोबारा दबा दिया होगा लाइक के चक्कर में अब इतना ज्यादा उसके दिमाग में घुस गया लाइक लाइक ये लो सर बिल्कुल <laughs> <गुशे। laughs> कोई बात नहीं चलिए बेटा आंसर बताइएगा आंसर होगा क्या मृतोपजीवी बच्चों याद रखिएगा और आज के लिए इतना ही रहेगा और आप लोगों के लिए थैंक यू इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े थैंक यू फ्रॉम यू लेकिन याद रखना थैंक यू विद्याकुल आप जरूर बोलिए थैंक यू विद्याकुल क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा मौका इतने अच्छे अध्यापक जो आपके लिए सोचते हैं आपके लिए करते हैं आपके लिए पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं आपके लिए नोट्स बनाते हैं और जरूर इस प्लेटफॉर्म को दिया विद्याकुल ने तो विद्याकुल को जरूर धन्यवाद कहिए जय महादेव जय महादेव जय महादेव, महादेव विद्याकुल तो याद रखिए बच्चों सभी लोग हमारे साथ लगातार प्रत्येक प्रत्येक सुख शुक्र सनिचर इतवार ध्यान रखिएगा डेट कभी मत भूलिएगा तारीख भले भूल जाइएगा दिन मत भूलिएगा समय मत भूलिएगा यानी हम आपको कब मिलेंगे फ्राइडे मिलेंगे सटरडे मिलेंगे संडे मिलेंगे और बच्चों ठीक नौ बजे हमारी क्लासे होंगी याद रखिएगा बच्चों ठीक है तो फ्राइडे को हम नाइन्थ की क्लास लेंगे और सटरडे को हम टेंथ और संडे को भी हम टेंथ लेंगे तो चलिए और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी लोगों का सौ परसेंट नंबर आएगा और जो विद्यार्थी ज्यादा क्वेश्चन कर दिया है मैं उसका टिकट उसके घर में युगांडा के लिए भेज दूंगा और वह विद्यार्थी युगांडा जाएगा मेरी शुभकामनाएं उस बालक को जो विद्यार्थी सेकंड आया है उसको नाइजीरिया भेजा जाएगा और जो विद्यार्थी थर्ड आया है उसको कांगो भेजा जाएगा तो चलो बच्चों तो बताइए आप लोगों की आज की क्लास कैसी लगी मस्त खस्त या तो फिर एकदम निरस्त तो बताइए बच्चों आपकी आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और अपने कमेंट जरूर करिएगा बच्चों जो आप जब क्लास खत्म हो जाएगी तो उस पे कम से कम आज पचास साठ कमेंट आना चाहिए इससे कम कमेंट अगर आया तो समझ जाइएगा आप हमसे प्यार नहीं करते हैं अगर हमसे आपको मोहब्बत है तो आज आप दिल खोल करके कमेंट करेंगे जब आप क्लास खत्म करेंगे तो चलिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं शुभ रात्रि शुभ संध्या और जीवन की शुभकामनाएं भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं।